टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक्स में हम लोगों का फाइनल टर्म का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। नाउ इससे पहले कि हम सेकेंडरी सेक्टर में जाएं, जस्ट एक ब्रीफ दो मिनट का एक रिवीजन ताकि तुम लोग वापस से वो कनेक्ट तुमको मिल जाए। इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने अपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस में डिस्कस किया था इकोनॉमी, और इकोनॉमी क्या था इफ यू रिमेम्बर, इकोनॉमी और कुछ नहीं बट इट इज दिस सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन एन एरिया इन अ रीजन इन अ कंट्री इन अ प्लेस, ये एक डेफिनेशन था। और फिर मैंने ये भी कहा था इकोनॉमी मींस बेसिकली अ सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ अ प्लेस ऑफ अ सिटी ऑफ अ कंट्री विच प्रोवाइड्स इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू द सिटीजन। और इस संदर्भ में कहा था कि हम लोग सुनते हैं कि यूएस का इकोनॉमी अच्छा है, बॉम्बे का इकोनॉमी अच्छा है, महाराष्ट्र का इकोनॉमी बंगाल का इकोनॉमी से अच्छा है, गुजरात का इकोनॉमी दिल्ली का इकोनॉमी से अच्छा, हम लोग सुनते हैं। तो क्या था इकोनॉमी, जस्ट एक बार वापस से बता दें, इट इज द बेसिकली द सिस्टम विच प्रोवाइड्स द इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, वहां के लोगों को जो इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है उस शहर का सिस्टम, वो शहर का इकोनॉमी है। और सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो परफॉर्म होते हैं उसे हम लोग भी इकोनॉमी कहते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म, हर इंसान कानून के दायरे में रहते हुए सब कोई अपना रोजगार कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जब हम लोग देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, एक एरिया का इकोनॉमी को हम लोग तीन सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी, ये हम लोग इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग लिए थे, सेकेंडरी और टर्शियरी। एक चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोगों ने ये तीनों को पढ़ा था। सो प्राइमरी दिस वॉज बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म का सिलेबस में इसको देखा है सेकेंड प्राइमरी सेक्टर को, जहां पे लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपना अर्निंग्स करते हैं, अपना रोजगार अपना लिविंग का जुगाड़ करते हैं। देन आता है सेकेंडरी सेक्टर, यहां मैनमेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है। और फिर आता है टर्शियरी सेक्टर जो बेसिकली इन दोनों सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता था। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में पढ़ा था। जिस तरह से हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में एक सेपरेट चैप्टर किया है, उसी तरह से हम लोग आज एक नया चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। सो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर तुम्हारा ये सेकेंड सेक्टर है, इसलिए सेकेंडरी, ये सेकेंड दूसरा सेक्टर है किस चीज का, इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का। और इकोनॉमी क्या था, इकोनॉमी था सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक एरिया में परफॉर्म हो रहे हैं उसका सम टोटल इज इकोनॉमी। और क्या था, द इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द लिविंग अपॉर्चुनिटीज, राइट, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। So, हम लोग इकोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, आज हम लोग उसको दूसरा पार्ट में कर आ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट एक बार तुम लोगों को ट्रैक में लाने के लिए मैंने ये बता दिया कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, किस पार्ट में हैं हम लोग। तो सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको कहा कि सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे मैनमेड रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके, हाँ, देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, कुदरत का ज्यादा, नेचर का ज्यादा सहयोग रहता है हमारे पास। नेचर ने कोयला दे दिया मेरे को, मैंने निकाला, नेचर ने मेरे को फर्टाइल जमीन दे दिया, मैंने उसमें मेहनत करके बीज बोल करके क्रॉप्स उगाया, राइट। सो नेचर रिसोर्सेस हमको दे देता है, इंसान उसको एक्सप्लॉइट करता है और उससे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सेकेंडरी सेक्टर अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि यहां पे हम लोग इंसान खुद प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है।
सो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में सर्विस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली तुम लोग इसको बोल सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री। तो पहले हम लोगों को समझना है कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। ये टर्म हम लोग बहुत बार सुने हैं, इंडस्ट्री बहुत बार सुने हैं न्यूज में, कहीं ना कहीं हम लोग ये सुनते हैं। जब हम लोग इंडस्ट्री टर्म सुनते हैं तो कुछ इस तरह का इमेज आपको आ जाता है, दिमाग में आता है, करेक्ट। द मोमेंट यू हियर द वर्ड इंडस्ट्री, सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इंप्रेशन एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन अ माइंड, राइट। मतलब कुछ प्रोडक्शन, कुछ बन रहा है, ये हमको पता है कि जब हम इंडस्ट्री बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो बन रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या है इंडस्ट्री, इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर हम देखें, बोलता है इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज। सो क्या है इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या होता है, बेसिकली ये इनपुट्स है, किस चीज के इनपुट्स है, किसी चीज को बनाने के लिए। तो से फॉर एग्जांपल चिप्स, आलू चिप्स, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स को बनाने के लिए हमें क्या लग रहा है, पोटैटो, हमें आलू लगता है। सो पोटैटो बिकम्स द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द चिप्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस, पोटैटो को प्रोसेस किया जाता है और पोटैटो को कन्वर्ट किया जाता है पोटैटो चिप्स में। सो द पोटैटो चिप्स जो बन के तैयार हुआ है, दैट हैज मोर वैल्यू देन द पोटैटोस। दैट इज व्हाट इज सेइंग कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोगों के नीड्स को, वांट को सेटिस्फाई करेगा। ये होता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में दिस इज इंडस्ट्री इज सपोज टू डू एंड दिस इज व्हाट इंडस्ट्री डज। सो इसलिए इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग या कन्वर्टिंग या प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी। दिस इज व्हाट इंडस्ट्री, एक टर्म में प्रोडक्शन। जब भी इंडस्ट्री वर्ड आए तो समझ लेना कुछ ना कुछ बन रहा है। नेक्स्ट, इसी सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री से वर्ड आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी डिफाइंड व्हाट, में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड इन अ कंट्री। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप मोर इंडस्ट्रीज। जब देश में नए इंडस्ट्रीज लग रहे हैं तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब अगर मेरे शहर, हमारे शहर आसनसोल में फैक्ट्रीज लगना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आना शुरू हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि आसनसोल में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस चल रहा है, बिकॉज न्यू एंड मोर एंड न्यू इंडस्ट्रीज आर कमिंग इन माई सिटी। सो देर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन टेकिंग प्लेस। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री से आया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री को सेटअप करने का प्रोसेस। जितना ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगा, हम लोग कहेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट, का पेस, रफ्तार ज्यादा है, फास्ट हो रहा है। सो दैट इज व्हाट बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वी कम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये इंडस्ट्री हमें चाहिए क्यों, सेकेंडरी सेक्टर क्यों चाहिए।
What is the need? Why not we were happy in the primary sector? प्राइमरी सेक्टर में ही हम लोग अपना जीने का रोजगार ढूंढ लेते हैं. Why secondary sector? Means why industry? Means why industrialization? Why do we need more and more industries? Why do we need more and more industries? So that is what we are going to discuss now. Importance of industrialization. Industrialization का process, उसका significance, एक देश का economy के लिए, एक कंट्री के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना महत्व, कितना इंपॉर्टेंस रखता है. तो सबसे पहला, रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम. नाउ यू टेल मी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनकम का क्या लेना देना है? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है. इनकम बढ़ता है, देश का इनकम बढ़ता है. क्या है देश का इनकम? हम लोग देश का आमदनी को कैसे वैल्यू करते हैं, जिसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं. आप जब क्लास 11 में जाओगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम मिलेगा 11 12 में, तो आप पढ़ोगे वहां पे डिटेल में. बट अभी हम आपको डिटेल हल्का सा ब्रीफ देते हैं. नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड मतलब देश में, अब उसके अंदर में भी है, एक होता है देश के अंदर जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, और एक देश के बाहर. तो हम अभी हम जस्ट इतना समझो कि इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, राइट, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सर्विसेज क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वैल्यू है, राइट. जब उसकी वैल्यू को हम लोग सम टोटल करते हैं तो वो देश का इनकम पता चलता है. वो नेशनल इनकम, वो हमारा नेशनल इनकम है. टू बी वेरी प्रिसाइज, टू आपको जस्ट ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, जरा डेप्थ में नहीं जाएंगे. तो जब देश में इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं, यानी कि देश का प्रोडक्शन का करने का कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है, मतलब देश और प्रोड्यूस करेगा, और प्रोडक्ट्स बनाएगा. तो मोर इंडस्ट्रीज मींस मोर प्रोडक्शन. मोर प्रोडक्शन मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री आर इंक्रीजिंग. मोर एंड मोर गुड्स प्रोड्यूस्ड, मोर एंड मोर एडिशन टू द नेशनल इनकम. सो देयर इज अ ग्रोथ इन द इनकम. ये तो देश का इनकम का बात हुआ, वो भी बढ़ेगा. जब एक इंडस्ट्री लगेगा तो भैया इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए, बहुत सारे हमें, मान लो हम एक इंडस्ट्री लगा रहे, तो हमको इंडस्ट्री लगाने के लिए तुमको इक्विपमेंट चाहिए भाई, सब चीज चाहिए तुमको इंडस्ट्री लगाने, तो वो सब सारा चीज कहां से आएगा? अब मान लीजिए इंडस्ट्री लगाना, हमको लगाना है, हम एक शहर में जाकर के एक नया फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो भैया फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमको लेबर चाहिए होगा, भैया फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हमको 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 सिविल चाहिए, सिविल कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमको ईंटा चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, रॉड चाहिए, सब तुमको चाहिए, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं. तो अब जिससे मैं ये सारे चीज खरीद रहा हूं उसका भी तो इनकम बढ़ रहा है. तो तुम अगर देखोगे ना, जब जब एक इंडस्ट्री लगता है ना, मान लो 5000 करोड़ का फैक्ट्री लग रहा है, तो भैया वो 5000 करोड़ का फैक्ट्री जो लग रहा है, वो 5000 करोड़ जाएगा कहां? तो 5000 करोड़ तो समाज में ही आएगा, वो 5000 करोड़ तो इकोनॉमी में ही आ रहा है. तो ये भी एक तरीका है समझने का कि किससे इनकम बढ़ता है. बट यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम, इसको हम लोग एक ब्रॉड कैटेगरी में समझेंगे, और हम लोग इसको देश का इनकम से रिलेट कनेक्ट करके समझेंगे. तो देश का इनकम कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जितने ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगे उतने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि देश का प्रोडक्शन करने का एबिलिटी वो बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा. सो मोर एंड मोर गुड्स प्रोड्यूस्ड, वेरी सिंपल, इट विल एक्ट टू द इनकम ऑफ द कंट्री. सेकेंड है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज अ थिंग ऑफ अ कॉमन सेंस. इफ टुमारो इन आसनसोल वी हैव अ न्यू इंडस्ट्री, मान लीजिए अडानी सीमेंट अपना यहां पर सीमेंट फैक्ट्री डालता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाता है यहां पर, तो भैया ऑब्वियसली आसनसोल के लोगों को रोजगार मिलेगा,
उस सीमेंट इंडस्ट्री में काम कौन करेंगे? जो लोग काम करेंगे वो कहां के होंगे? इसी शहर के होंगे, शहर के आसपास इलाके से आएंगे। सो ऑब्वियसली यहां के लोगों को इंप्लॉयमेंट जेनरेट, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा। सो देयर विल बी जेनरेशन ऑफ इंप्लॉयमेंट, राइट? सो जितने ज्यादा इंडस्ट्री उतना ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को उतना ज्यादा मौका मिलेगा रोजगार का। अदरवाइज अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो क्या होगा समझो, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। मतलब एवरीबॉडी विल लुक एन अपॉर्चुनिटी, विल लुक एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इतने लोगों को कैसे रोजगार दे सकता है? इसीलिए जब सेकेंडरी सेक्टर है तो सेकेंडरी सेक्टर भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, जिससे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब हिंदी में बोलते हैं ना संसाधन। रिसोर्सेस वो चीज होता है जो हमें फर्दर प्रोड्यूस करने में मदद करता है, करेक्ट? हम एक रिसोर्स लेते हैं देश में, हमारा देश में इंडिया इज वेरी रिच कंट्री, रिच विथ रिसोर्सेस। हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स है, कुदरती दिया हुआ है, उसमें से एक रिसोर्सेस के बारे हम बात करेंगे आपसे, कोयला, कोल। अब इमेजिन करो अगर देश में सेकेंडरी सेक्टर नहीं होता, अगर इंडस्ट्री नहीं है, तो ये जो कोल है, ये कोल हमारे देश में नीचे धरती के नीचे दबा ही रह जाएगा, इसको यूज करने वाले कोई नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में इसका काम नहीं है। मैंने अगर हम एग्रीकल्चर का बात करें, टू बी मोर स्पेसिफिक, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका काम नहीं है, राइट? नहीं है इसका काम एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन लेकिन सिंस हमारा इंडस्ट्री है, सेकेंडरी सेक्टर है, जब सेकेंडरी सेक्टर बढ़ावा बढ़ता है, जब देश में इंडस्ट्रीज लगते हैं, जब देश में एंटरप्रेन्योर का कल्चर बढ़ता है, तो क्या होता है, ये लोग देश के रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं। आज सेकेंडरी सेक्टर है, आज इसी कोयला को एक्सट्रैक्ट करके, इसी कोल को एक्सट्रैक्ट करके इससे बिजली बनती है। सो हु इज एक्सप्लॉइटिंग दिस नेचुरल रिसोर्स? कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है ये नेचुरल रिसोर्स को? इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सप्लॉइट का मतलब इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है। सो देश के रिसोर्सेस, आप चाहते हैं कि देश के रिसोर्सेस का फायदा उठाया जाए, जो कुदरत ने हमें दिया है, नेचर ने देश को इतने सारे रिसोर्सेस दिए हैं, तो इन रिसोर्सेस का उपयोग किया जाए और इसका फायदा उठाया जाए। तो इसका फायदा उठाने के लिए यू नीड एंटरप्रेन्योर्स, यू नीड इंडस्ट्रियलिस्ट, यू नीड सेकेंडरी सेक्टर। ये वो सेक्टर होंगे जो नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करेंगे और देश में प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। So that is why we need secondary sector, because secondary sector helps us in exploiting the natural resources. Example, coal. Increase in export earning. Export का मतलब समझते हैं ना हम लोग? क्या होता है export का मतलब? जब हम लोग goods अपने देश में बनाकर दूसरे देशों को क्या करते हैं, हम लोग बेचते हैं। तो जब हम दूसरा देशों को बेचेंगे, जब हम यहां से सामान बना करके अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में बेचेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा देश का इनकम बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इनकम बढ़ेगा, फ्री में तो देंगे नहीं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्सपोर्ट अर्निंग का क्या लेना देना है, देखिए समझिए। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब देश में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का कल्चर है, जब देश अपने एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं, राइट? एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, तो देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, और वो गुड्स देश में यूज होने के बाद
अपने लोगों का नीड को फुलफिल करने के बाद उसी गुड्स को जो सरप्लस है हमारे पास, देश उस सरप्लस गुड्स को क्या करता है, दूसरे देशों में बेच देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। इंडिया आज बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है पहले से, शुरू से ही धीरे 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 हम लोग इतना इंडस्ट्री तरक्की किए। आज इंडिया का आईटी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर हम लोग कितना, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, दिस आर द ह्यूज आईटी इंडस्ट्रीज, एंड इंडिया का आईटी इंडस्ट्री इज वेल रिस्पेक्टेड एंड रिनाउन इन द वर्ल्ड। हम लोग आज सॉफ्टवेयर दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं, दूसरे कंट्री में हम लोग का, हमारे कंट्री के जो कंपनीज है एक्सपोर्ट करते हैं। जो सॉफ्टवेयर की बात हुई, इस तरह से बहुत सारे ऐसा हमारा प्रोडक्ट्स है जिसे हम लोग अपने देश में बना के दूसरे देशों को बेचते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जब देश में इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप होगा। अगर देश में इंडस्ट्रीज कम रहे, अगर हम अपने ही लोगों का, अपना ही देश का डिमांड को, नीड को पूरा नहीं कर पाए तो हम बेचेंगे क्या? व्हाट वुड आई सेल, राइट? व्हाट विल आई सेल? सो बेचने के लिए हमें थोड़ा सा सरप्लस चाहिए। पहले तो हम अपना ही देश का जरूरत को पूरा करेंगे, उसके बाद जो बच जाता हम उसको बेचते हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो नेक्स्ट है, हेल्प्स अस इन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट अर्निंग्स, एक्सपोर्ट इनकम। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को कैसे मदद करता है? मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का क्या रोल है? हाउ डज द इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर इज हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर? So, इसका एक जवाब देते हैं आप लोगों को, एक इमेज, एक फोटो दिखाएंगे और एक इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। यह एक तरीका है हल चलाने का, खेती करने का, एग्रीकल्चर सेक्टर है। दो बैल से लेकर के हम लोग टिलिंग कर रहे हैं लैंड को, हम लोग यहीं रहते हैं। किसान ऐसे ही किसानी करता अगर ये नहीं होता, तो ये कहां बना? इंडस्ट्री। महिंद्रा ट्रैक्टर्स, अशोक लेलैंड के जो ट्रैक्टर्स आता है, जो ट्रैक्टर्स है, जो ट्रैक्टर्स खेती के लिए यूज हो रहे हैं, आप समझिए, जो काम इस प्रोसेस से एक दिन लगेगा, इस प्रोसेस से शायद कुछ घंटों में हो जाए। सो यू डू नॉट फॉरगेट That agriculture, खेती करने के लिए there are lot of equipments, tools and inputs which are used in agriculture sector. So ये सारे inputs आते कहां से हैं? Fertilizers, insecticides, pesticides, कीड़ा मारने की दवाइयां, वो कीड़े मकोड़े जो हमारे फसल को बर्बाद करते हैं, तो वो फसल को बर्बाद करने वाला कीड़ा वो कैसे मारा जाता है? इंसेक्ट वो बनता कहां है? आज हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर्स का, खाद जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, जिस फर्टिलाइजर से क्रॉप्स की ग्रोथ जल्दी और अच्छी होती है। तो बेटा वो फर्टिलाइजर्स बनता कहां पे है? वो तो फर्टिलाइजर्स बनता यही है ना, फैक्ट्री में तो बनता है। So therefore, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इनपुट्स रेडी करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सो इफ ये इंडस्ट्री ना हो, अगर महिंद्रा ट्रैक्टर्स बनाना बंद कर दे, अशोक लेलैंड ट्रैक्टर्स बनाना बंद कर दे, राइट, तो किसानों को प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्रीकल्चर खेती करने में दिक्कत होगी। सो दिस इज हाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर।
आज इरिगेशन करना है, खेतों में पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए जो पाइप्स बनेंगे, उसके लिए जो वाटर पंप यूज इस्तेमाल होगा, वो कहां से होगा? कहां से बनता है वो? कहां से आता है वाटर पंप्स? कहां से आता है वो पाइप कनेक्शंस, पाइप सारे जिसके थ्रू खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है? भैया सेकेंडरी सेक्टर। आज आपको डैम्स कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत सारा कैनाल्स बनाया जाता है, डैम्स बना, कैनाल्स क्यों बनाया जाता है? खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, राइट? तो वो कैनाल्स का जो कंस्ट्रक्शन है, अगेन कंस्ट्रक्शन, कैनाल्स बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बिजली, रोड, सड़कें, ये सब बनाना, अगेन सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इनपुट्स भी बनाती है और उनके लिए एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा जिसको बोलते हैं, उसको भी तैयार करता है। सो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, करेक्ट? क्या है नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। हम आपके सामने में दो इमेज दिखा रहे हैं, एक अगर इमेज आप देखोगे तो गांव का है और एक इमेज अगर आप देखोगे तो एक शहर का इमेज है। बैलेंस डेवलपमेंट तब होगा जब ये दोनों इमेज के बीच में डिफरेंस नहीं होगा, मतलब दोनों सेम होंगे। और ये कब होंगे? ये कब होंगे? ये तभी होंगे जब दोनों का डेवलपमेंट बराबर होगा, राइट? आज हम लोग दो शहर के बीच में, दो देश के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में हम लोग जो डिफरेंस देखते हैं वो होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस शहर, जिस जगह के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप होगा, वो जगह ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। उस जगह का सिनेरियो कुछ इस तरह से रहेगा, चकाचौंध वाली जिंदगी रहेगी। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि दो शहरों के बीच, दो ज्योग्राफिकल रीजन के बीच जो भी डेवलपमेंट का मिसमैच है, जो गैप है, उस गैप को फुलफिल किया जाए, राइट? एंड दैट इज द अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। सो विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो रीजनल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट का, वो डिफरेंसेस को कम किया जाता है, गैप को भरा जाता है। सेल्फ सस्टेन ग्रोथ, सेल्फ, खुद, आत्मनिर्भर भारत, सुनते होगे? अगर हम लोग अपने से नहीं बनाएंगे, देश में हमारा इंडस्ट्री नहीं होगा, अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो हमें दूसरों के सामने में हाथ फैलाना पड़ेगा। अगर हमारा देश, अगर हम चाहते हैं कि मेरा देश, राइट, अपने आप पे, मेरा ग्रोथ मेरे ऊपर में डिपेंडेंट है, अमेरिका हमें स्टील दे रहा है, जर्मनी हमें गाड़ियां दे रही है ना, ऑटोमोबाइल में हमको एक्सपोर्ट कर रही है, मुझे राइट, हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं गाड़ियां दूसरे देशों से, हम सारी चीज दूसरे देशों से खरीद रहे, तो तुम सोचो मेरा जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बाकी देशों के ऊपर। मैं अगर कल को लोग बंद कर दिया मेरे को देना, मेरे को बेचना बंद कर दिया, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ सस्टेन ग्रोथ के लिए। सेल्फ मतलब आपका ग्रोथ आपके ऊपर में सस्टेन करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है ताकि हम अपना जरूरत के चीज अपने ही देश में बनाए, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल सिक्योरिटी, नेशन का सिक्योरिटी कैसे? आज जो वेपन्स लगता है ना, जो इस्तेमाल होती है वॉर्स के समय में, जो युद्ध के समय में जो वेपन्स इस्तेमाल होता है, इंडिया आज भी
इंडिया आज भी वन ऑफ द दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर है वेपन्स का, हम लोग खरीदते हैं अभी भी बहुत, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमारा देश धीरे धीरे अपना वेपन्स बनाने के लिए, जैसे हमारा हमारा है ये ना HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, हम लोग अपना क्या बनाते हैं, अपना फाइटर प्लेन्स, अपना फाइटर हेलीकॉप्टर्स, ये सब बनता है वहां पे HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो ये बेटर होगा कि अगर हमारा देश अपना सुरक्षा के लिए, अपना सिक्योरिटी के लिए अपना वेपन्स खुद बनाए, अपना वेपन्स खुद बनाए, ताकि हम लोग दूसरे देशों के ऊपर में डिपेंडेंट ना हो। नहीं तो अगर दूसरा देश कल को अगर हाथ खड़ा कर दिया, मना कर दिया हमें वेपन्स देने से, तो फिर मेरा देश का सिक्योरिटी एट स्टेक हो जाएगा, एट रिस्क हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू सेल्फ मैन्युफैक्चर दी वेपन्स, एंड फॉर दैट वी नीड इंडस्ट्री। सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, करेक्ट, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, जहां पे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर को। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने भी पढ़ा था कि किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर मदद करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट को। तो भैया सिर्फ एक ही तरफा नहीं है, यहां पे हम लोग ये भी देख रहे हैं, बिकॉज दोनों ही सेक्टर, देखो अगर हम लोग ये अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपॉर्टेंस को देख करके अगर हम बोलेंगे रे देश में खरी इंडस्ट्री 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 होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर बेकार है, प्राइमरी सेक्टर की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही सेक्टर इंपॉर्टेंट है और दोनों ही सेक्टर एक दूसरा को कंट्रीब्यूट करता है, एक दूसरा को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक दूसरा को मदद कर रहा है। तो आज अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है, क्या क्या किस तरह से। नंबर वन एग्रीकल्चर, आज इसको सेकेंडरी सेक्टर को क्या चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए आलू, जो मेरा आज का पहला एग्जाम्पल था जब हम आपको इंडस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पोटैटो चिप्स। सो पोटैटो चिप्स जो फैक्ट्री है, करेक्ट, वो तो इंडस्ट्री सेक्टर में आया, लेकिन पोटैटो चिप्स को बनाने के लिए बच्चा जो रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल बोले तो पोटैटोस लगेगा, वो पोटैटोस कहां से आएगा बेटा, पोटैटोस तो यहां से आएगा, प्राइमरी सेक्टर से आएगा, पोटैटोस तो आपको प्राइमरी सेक्टर बना के उगा के देगा। सो इन सेकेंडरी सेक्टर अपना प्रोडक्शन करने के लिए, राइट, उनका रॉ मटेरियल्स का सप्लाई जो है वो पूरा प्राइमरी सेक्टर से आता है। सो व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग द रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंड और क्या होता है, आज सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, है वर्कर्स काम कर रहे हैं बेटा, ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, काम करने के लिए इनको क्या चाहिए, जिंदा रहना होगा, काम करने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए, और शरीर में शक्ति के लिए खाना चाहिए।
तो आज जो सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनका फूड कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर फूड का सप्लाई करता है, राइट, जिससे सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं जो वर्कर्स हैं, वो लोग उस फूड का कंजम्पशन करते हैं और कंजम्पशन करके उनको हेल्दी रखते हैं, उनको न्यूट्रिशन फूड दिया जाता है ताकि वो हेल्दी रहे और वो काम कर सके। ये सेकेंड कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर को। थर्ड जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब ये सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है, या जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने पैसा को बचाते हैं, बचत करते हैं, जोड़ते हैं। खेती किया, खेती करके जो कमाया, खर्चा किया, जो बचा बैंक में जमा कर दिया। ग्रामीण बैंक, रूरल एरिया में बैंक होता है, राइट। सो दीज पीपल सेव मनी, एंड ये जो पैसा सेव करते हैं प्राइमरी सेक्टर में जो सेविंग्स है, जो रूरल गांव का जो पैसा सेविंग्स है, वो सेविंग्स को इस्तेमाल करता है सेकेंडरी सेक्टर एज एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब सेकेंडरी सेक्टर बैंक से लोन लेता है तो बैंक क्या नोट प्रिंट करके, नोट छाप करके देता है पैसा? नहीं। अरे बैंक तो वही पैसा को लोन के रूप में दिया देता है जिस पैसा जो उनके पास लोगों ने लाके डिपॉजिट किया है एज देयर सेविंग्स। सो द रूरल सेक्टर, द एग्रीकल्चर सेक्टर, उनका जो सेविंग्स होता है, उन सेविंग्स को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उन सेविंग्स को बैंक इनको सेकेंडरी सेक्टर को एज अ लोन के रूप में देता है और ये लोग उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ये एक और कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का। नेक्स्ट बेटा, प्राइमरी सेक्टर ना सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक मार्केट है। अगर आज प्राइमरी सेक्टर ना हो तो तुम सोचो कितने सारे इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के लिए इनपुट्स बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा महिंद्रा ट्रैक्टर्स बना रहा है, कई सारे कंपनी फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, है ना, कितने सारे वाटर पंप्स बना रहे। अगर प्राइमरी सेक्टर ना हो तो बेटा कल महिंद्रा का ट्रैक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए, खरीदेगा कौन ट्रैक्टर? शहर में तो कोई ट्रैक्टर चलाता नहीं है। सो प्राइमरी सेक्टर अपने आप में एक मार्केट है। किसका मार्केट है? सेकेंडरी सेक्टर का मार्केट है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट इनके लिए इनपुट भी होता है, इनके लिए इनपुट होता है। तो सेकेंडरी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिनका सामान, जिनका प्रोडक्ट्स, उसको ऐसे समझे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिनका प्रोडक्ट का कस्टमर प्राइमरी सेक्टर है, उनके प्रोडक्ट्स प्राइमरी सेक्टर खरीदते हैं। तो अगर प्राइमरी सेक्टर ना हो तो वो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सो प्राइमरी सेक्टर इज अ मार्केट फॉर ऑल दोज गुड्स, for all those goods which are used as an input in the agriculture, in the cultivation. Last but not the least, अब हमने देखा, मैंने बताया कि सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं वो वर्कर का खाना प्राइमरी सेक्टर से सप्लाई होता है। बट एक चीज और बता दे, प्राइमरी सेक्टर सिर्फ खाना ही सप्लाई नहीं करते हैं बल्कि प्राइमरी सेक्टर वर्कर भी सप्लाई करते हैं। तुम लोग देखोगे कि शहरों में ज्यादातर जो मजदूर जो काम करते हैं, आज बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लेबर क्लास के काम कर रहे हैं, आप जाके उनसे पूछो वो कहां से आए हैं, वो लोग शहर के नहीं है, वो लोग किसी गांव का नाम बताएगा। आज हमारे शहर में भी तुम लोग देखोगे, हमारे शहर में जब
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, तो वो लेबर मजदूर कहां से आता है? वो आता है प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि जब प्राइमरी सेक्टर में ऑफ सीजन होता है, जब फसल नहीं होते हैं, जब फसल का समय नहीं होता है, तो ये लोग प्राइमरी सेक्टर के जो लोग हैं, ये लोग मजदूरी भी करते हैं, ये लोग मजदूर लेबर का लेबरर का भी काम करते हैं, क्योंकि उनको भी रोजी रोटी चाहिए। तो रूरल सेक्टर जो होता है, जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है, वो एक बहुत ही बड़े मात्रा में वर्कर लेबर फोर्स मैन पावर सप्लाई करता है सेकेंडरी सेक्टर को। तो क्या क्या मिला भैया सेकेंडरी सेक्टर को? देखो पांच चीज मिल गया सेकेंडरी सेक्टर को। सबसे पहला क्या मिला भैया सेकेंडरी सेक्टर को? सबसे पहला मिला रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर को दूसरा क्या मिला? वर्कर। और तीसरा क्या मिला? वर्कर के लिए फूड। चौथा क्या मिला सेकेंडरी सेक्टर को? सेकेंडरी सेक्टर को मिला उनका ग्राहक, कस्टमर, उनका मार्केट, क्योंकि ये जो बना रहे हैं ये खरीद रहे हैं। और क्या मिला सेकेंडरी सेक्टर को? सेकेंडरी सेक्टर को मिला पैसा। पैसा? पैसा कैसा पैसा भैया? अरे ये जो सेविंग्स करते हैं बैंक में, वही पैसा को बैंक इनको क्या करते हैं? लोन के रूप में देते हैं, और ये लोग उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और देश में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। एम आई मेकिंग सेंस? क्लियर हो गया? तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने इंडस्ट्री का मतलब देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी क्यों है ये देखा, और आज हम लोगों ने ये भी देखा कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू प्राइम इंडस्ट्री सेक्टर, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर। फिर हम लोग देखेंगे vice versa कि प्राइमरी सेक्टर को क्या क्या मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो अच्छा क्लास खत्म होता है किसी तरह, क्योंकि हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, बिकॉज कुछ आया भी नहीं है, ऑनलाइन भी सिर्फ 3-4 बच्चे ज्वाइन किए हैं। आई डोंट वांट टू, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे तो फिर बाकी लोगों के लिए मिस हो जाएगा। ठीक है, इसको स्कोप से मार्क कर लेना क्या क्या है टॉपिक में, आपका स्कोप दिया रहता है तो वो स्कोप को देख करके मार्क करके उस वही चीज पर हम लोग पढ़ेंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय।